रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है ड्रग्स मामले में। अब सामने आ रहा है कि सैंडलवुड ड्रग रैकेट के मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु में कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग रैकेट चलाने के मामले में। आपको बता दें कि सीसीबी ने संजना के मोबाइल, लैपटॉप और रनी डॉक्यूमेंट्स को सील कर दिया है। आपको बता दें कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में नशीली दवाओं के इस्तेमाल के मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए शहर की पुलिस की तरफ से एक और कन्नड़ एक्ट्रेस की गिरफ्तारी के साथ ही कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो कानूनी व्यवस्था को मजबूत करेंगी। पुलिस ने बताया कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में नशीली दवाओं के इस्तेमाल की जांच कर रही सीसीबी ने एक्ट्रेस संजना गलरानी को सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी पर आरोप है कि वो बड़ी बड़ी पार्टीज में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। ये बड़ा आरोप लगाया गया है जिसके बाद उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गलरानी की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही सीसीबी ने एक और एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को शहर में बड़ी बड़ी पार्टियों में लोगों को ड्रग्स मुहैया कराने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि गलरानी को सुबह यहां उनके घर पर केंद्रीय अपराध शाखा यानी कि सीसीबी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी कन्नड़ फिल्मों का जाना माना नाम है। संजना गलरानी का जन्म बेंगलुरु में ही हुआ था। वो अपने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग कर रही हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा एड्स में काम भी किया है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम के साथ फास्ट ट्रैक ब्रांड के लिए भी एड किया है। आपको बता दें कि संजना गलरानी कन्नड़ फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कन्नड़ एक्ट्रेस को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया है, इनसे जुड़े कितने लोग हैं कन्नड़ फिल्म में जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में सप्लाई भी करते हैं।